जय जोहार नमस्कार, दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। एक ही दिन में 70 स्ट्रीट वेंडरों पर लिया गया एक्शन। श्रीकांत वर्मा मार्ग में निगम ने चलाया अभियान, शाम होते ही रोड पर लगता था जाम। बिलासपुर से खबर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पंथी नृत्य का हुआ चयन, 26 जनवरी को राजपथ में देंगे प्रस्तुति। कटघोरा में राजीव गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों कुमार मुकुंदराम के यहां भोजन भी किए गए। इसके अलावा यहां राजीव और सोनिया पहले भी आ चुके। भोजराम सिन्हा बने भिलाई निगम के नेता प्रतिपक्ष, दुर्ग जिला कार्यकारिणी का भी हुआ ऐलान, बीजेपी ने जारी की नई सूची। 8 लाख रुपए की नामी महिला नक्सली समेत 5 लोग गिरफ्तार, 50 साल की डीवीसी मेंबर का इलाज करवाने आए थे, एक नाबालिग भी शामिल। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर्स 19 जनवरी से जाएंगे हड़ताल पर, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रखने का है। सुर्खियों के बाद अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। भैंस के आगे बीन बजाने लगे कर्मचारी, जमीन पर लेट गया कुंभकर्ण और नियमितीकरण की मांग को लेकर के 45,000 कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर है। बीते दिन हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक कर्मचारी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। कर्मचारियों ने तो भैंस के आगे बीन बजाकर अपनी बेबसी और जिम्मेदारों की लापरवाही दिखाने की रोचक कोशिश की है। कर्मचारी अपने धरने पर बैठ गए और धरने के बीच दो भैंस लेकर आए। नियमितीकरण पर प्रशासनिक अफसर चुप है। प्रदेश के मंत्री भी इनकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं और इस चुप्पी से नाराज होकर के कर्मचारियों ने व्यंग्यात्मक अंदाज में अपना विरोध दर्ज किया। भैंसों के आगे नागिन ट्यून बजाया गया। कर्मचारी बीन लेकर के भैंस के आगे झूमते रहे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की तो वही एक कर्मचारी ने कुंभकर्ण का रूप लिया और बीच में ही सो गए। राज्यपाल से एक बार फिर मिलने जाएंगे आदिवासी विधायक। आरक्षण विधेयकों पर जनजातीय सलाहकार की समिति की मांग सौंपेंगे। बिल पर बिना देरी हस्ताक्षर करने की मांग राज्यपाल से करी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीती शाम को छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में बैठक में विधानसभा में पारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक, साथ ही छत्तीसगढ़ शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के राजभवन में रुक जाने से बनी परिस्थितियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा नौकरियों में भर्ती तथा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश संबंधी जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, तय हुआ है कि आदिवासी विधायक दल एक बार फिर से राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करने जाएंगे। वहां सलाहकार समिति की अनुशंसा उनको सौंपकर दोनों विधेयकों पर अविलंब हस्ताक्षर करने की मांग छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से उठाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से खबर, जहां पर आयरन की गोली खाने के बाद 16 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। फिलहाल इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला छत्तीसगढ़ के रतनपुर थाना क्षेत्र का है। ग्राम सिलदह स्थित प्राथमिक शाला में शासन की योजना के तहत बच्चों को आयरन और फोलिक एसिड की गोली खिलाई गई थी। कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ छात्राओं को पेट व सिर दर्द के अलावा उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। आनन फानन में शिक्षकों ने बीमार 16 छात्राओं को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। इसके अलावा डॉक्टर की टीम द्वारा बच्चों का इलाज जारी है। स्कूल में पहले से लेकर 5वीं तक के 75 बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा आयरन और फोलिक एसिड की दवा खिलाई गई थी और दवा खिलाने के तकरीबन 20 मिनट बाद ही ये मामला हुआ। खबर है बिलासपुर में नगर निगम तुहर द्वार मुहिम को लेकर, अब हर वार्ड में जाकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। पहले ही दिन 199 शिकायतें मिली जिनमें बिजली, पानी और नाली जैसी शिकायतें शामिल है। दरअसल राजधानी रायपुर की तर्ज पर अब बिलासपुर में नगर निगम तुहर द्वार अभियान चला रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। इस दौरान शिविर में मेयर, सभापति और नगर निगम के अफसरों द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करी जा रही है। बीते दिन अभियान के पहले दिन 199 शिकायतें मिली जिनमें से ज्यादातर आवेदन पत्रों को तत्काल निराकरण किया गया। वहीं 52 प्रकरणों को मुख्यालय भेजा गया। आमजनों की समस्या के त्वरित निराकरण एवं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नगर पालिक निगम की टीम अब हर वार्डों में पहुंचेगी। महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन, इसे नगर निगम तुहर द्वार नाम दिया गया है।
रायपुर में गैंगवार की घटना हुई जिसमें दो की जान चली गई। दो युवकों को सड़क पर दौड़ा कर चाकू मारा गया, एक की मौके पर ही मौत जबकि दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। फिलहाल ये वीडियो इतना संवेदनशील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते पूरा वीडियो। बीती देर रात रायपुर में गैंगवार हो गया, 10 से 12 लड़कों का ग्रुप आपस में भिड़ा, चाकुओं से एक दूसरे पर हमला किया गया। इस वारदात में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दो की मौत की वजह देर रात तक पुलिस के अफसर जवान बदमाशों को पकड़ने में लगे रहे। कुछ युवकों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। इसके अलावा बात करें तो हिरासत के आधार पर पूछताछ करी जा रही है। ये घटना दलदल सिवनी के इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक सतनामी पारा नाम के मोहल्ले के युवक के दो गुटों में आपस में यहां पर विवाद हो गया, जिसकी वजह से चाकूबाजी और मारपीट के पुराने मामलों में शामिल लड़कों ने एक दूसरे को पीटा और चाकू से वार किए। 12वीं ओपन स्कूल की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल और 10वीं के लिए भी टाइम टेबल जारी हो चुका है। 28 मार्च से 10वीं और 1 अप्रैल से 10वीं की और 28 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। 2 मई तक एग्जाम चलने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के लिए ये टाइम टेबल जारी हुआ है। आधिकारिक समय सारणी के मुताबिक 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलने वाली है। फिलहाल जो आप अभी इस वक्त जो टाइम टेबल है वो यहां पर देख रहे हैं और ये ओपन स्कूल के लिए है, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से ऑनलाइन मिलेंगे मैच के टिकट्स। बुकिंग के बाद डिलीवर नहीं हुआ तो काउंटर से भी ले सकते हैं टिकट। 500 जवान सुरक्षा में रहेंगे तैनात। दरअसल रायपुर में होने वाली टीम इंडिया के क्रिकेट मैच की टिकटें ऑनलाइन बिक चुकी हैं और एक बार फिर से ऑनलाइन टिकटें बेचे जाने की तैयारी करी जा रही है। 1-2 दिन के लिए फिर से ऑनलाइन टिकट्स मुहैया कराई जाएंगी। मैच की तैयारियों को लेकर रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल ने बैठक भी ली। 21 जनवरी को रायपुर में छत्तीसगढ़ में होने वाला पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के प्लेयर्स न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे। इसके अलावा टिकटों को लेकर स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह के मुताबिक टिकट फिर से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। ये पेटीएम ऑनलाइन के जरिए बुक करी जा सकती है। इसके अलावा इसके पहले जो टिकट ऑनलाइन बुकिंग कराए जा रहे थे उनकी टिकटें बिक चुकी थी। अंबिकापुर शहर की तीसरी आग की जद में हो चुका है, क्योंकि कंट्रोल रूम से अब पूरी निगरानी करी जाएगी। फिलहाल प्रदेश के रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर अब अंबिकापुर में भी उच्च तकनीक के प्रयोग से पूरे शहर की निगरानी हेतु इंटीग्रेटेड पुलिस CCTV कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर के 35 स्थानों पर लगे 97 CCTV कैमरे की जद में पूरा शहर होगा और इनका नियंत्रण कंट्रोल रूम से होगा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बीते दिन पुलिस लाइन स्थित सरगुजा रेंज के पहले इंटीग्रेटेड CCTV कंट्रोल रूम का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। 2 साल रिसर्च के बाद चुनावी वर्ष में बड़े पर्दे पर दिखेगा झीरम घाटी नरसंहार का दर्द। फिल्म की शूटिंग अब बस्तर में होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष में झीरम घाटी नरसंहार का दर्द अब पर्दे पर देखने को मिलेगा। झीरम घाटी फिल्म के निर्देशक दिनेश सोनी जी हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 साल की रिसर्च के बाद फिल्म की कहानी तैयार कर ली है। फिल्म का निर्माण जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जिसकी ज्यादातर शूटिंग बस्तर में करी जाएगी। इस फिल्म में नक्सलियों की हिंसा समेत अन्य विषयों को जीवंत तरीके से फिल्माया जाएगा। इसके ज्यादातर कलाकार छत्तीसगढ़ के हैं। फिल्म झीरम घाटी से किसी राजनीतिक दल को क्या नफा या फिर क्या नुकसान होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस फिल्म को लेकर चर्चा गर्म है। फिल्म के निर्देशक दिनेश सोनी ने कहा है कि इसे बनाने के पीछे उनका कोई भी राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है BJP। फिलहाल ये बयान जारी किया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। कहा छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी रोका। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिशों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार ऐसी संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयकों पर भी राज्यपाल का हस्ताक्षर भी रोक लिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर के कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात कही है। इससे जुड़े एक सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि यही तो बात है, राहुल गांधी कह रहे हैं यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है।
हॉलीवुड में पहली बार वैनिटी वैन की एंट्री होने वाली है। होटल से कम नहीं रहेगा अंदर का नजारा। दरअसल छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री कमर्शियल तौर पर अब 22 साल की हो चुकी है। टेक्नोलॉजी से लेकर के लाइट कैमरा और बॉलीवुड स्तर तक इसका इस्तेमाल होने लगा है। अब यहाँ की फिल्में भी एरी एलेक्सा और रेड कैमरे जैसे कैमरे से शूट करी जा रही है। मेकर्स शूटिंग के दौरान अब कलाकारों की सुविधाओं पर भी ध्यान देने लगे हैं। यही वजह है कि पहली बार छत्तीसगढ़ फिल्म की शूटिंग में वैनिटी वैन उपयोग में लाई जा रही है। एक्टर मन कुरैसी ने कहा कि शूटिंग स्पॉट में वैनिटी बस का प्रयोग होना प्राइवेसी के लिए जरूरी होता है। एक्टर का तो चल जाता है, लेकिन अभिनेत्रियों को चेंज वगैरह करने के लिए यहाँ वहाँ जाना पड़ता था। ऐसे में यह बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रियंका गांधी से की गई रुपयों की मांग। एमएलए रंजना बोली, प्रदेश की महिलाओं को भी दिलवाए 50,000। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया गृहणियों से वादा। दरअसल छत्तीसगढ़ की भाजपा विधायक रंजना साहू प्रियंका गांधी से रुपयों की मांग कर रही हैं। ये रुपए प्रदेश की महिलाओं के लिए विधायक ने मांगे हैं। दरअसल प्रदेश में महिलाओं को अलग अलग कैटेगरी में नकद सहायता देने का वादा कांग्रेस ने किया था। कुछ ऐसा ही वादा प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में भी किया है। पुराने वादों को याद दिलाते हुए महिला भाजपा विधायक ने महिलाओं की बात उठाई है। भाजपा के विधायक रंजना साहू ने अपने बयान में कहा कि आदरणीय प्रियंका जी, चुनावी राज्य कर्नाटक में जनता को लुभाने के लिए आप घोषणा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो 2,000 रुपए प्रति माह गृहिणी को देंगे। आपसे अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है। कांग्रेस में घोषणा पत्र किए गए वादे के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उनके रुपए दिलवाइए। धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र का जस्ट मरा रही कांग्रेस। फिलहाल ये बयान जारी किया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। बोले, 90% राशि मोदी सरकार दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी को दे आभार। दरअसल प्रदेश में धान खरीदी के मामले में कांग्रेस अपनी पीठ पर थपथपा रही है। इसी मामले में अब भाजपा की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र का और मुफ्त का चंदन खींच रही है कांग्रेस। कांग्रेस का धान खरीदी में क्रेडिट लेना ऐसा है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है। अरुण साव ने यह भी कहा कि धान खरीदी का जश्न मनाने के अवसर का देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की किसान हित ऐसी नीति के कारण छत्तीसगढ़ के किसानों की धान का सारा चावल केंद्र सरकार खरीद रही है और पूरे खर्च का भुगतान कर रही है। फिलहाल ये बयान इन्होंने जारी किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार रोजाना हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।